देखो, साधक जब शुरुआत करता है अपने आध्यात्म की, तो वो द्वैत साधना से अपनी साधनाओं की शुरुआत करता है। तब परमात्मा अलग होता है, वो अलग होता है, प्रकृति अलग होती है। उसके बाद थोड़ी थोड़ी देर उसको लगता है कि नहीं यार, मैं ही वो परम तत्व हूँ, मेरे अंदर ही अभी वो विद्यमान है, उसके कारण ही मैं चल पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ। तो अपने आप में, पर फिर भी उसको कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी देर में लगता है कि नहीं नहीं अभी भी वो कहीं और है और मैं जीव के तौर पे अलग हूँ। तो वही द्वैता अद्वैत प्रकार की साधनाओं में रहता है। कभी कभी उसको लगता भी है, कभी कभी उसको नहीं लगता है। उसके बाद साधक आगे बढ़ता है और उसको लगने लगता है कि नहीं यार, मैं उसी परम तत्व का विस्तार हूँ। जैसे सोने का एक बहुत ही बड़ा मान लो एक बिस्किट है, सोने के जो बिस्किट होते हैं, तो उसमें से अलग अलग गहने तो बनेंगे, पर सोर्स तो एक ही है। भले वो अभी अलग अलग गहने हमको दिख रहे हैं, पर वास्तव में अगर आप उन सबको, उन गहनों को एक कर दो, तो फिर वो बिस्किट बन जाता है। तो फिर उसको लगता है कि नहीं यार, मैं उसी परम तत्व का विस्तार मात्र हूँ, मेरे में वही है। तो वो विशिष्ट अद्वैत को फील करता है, अपने आप को परमात्मा का अंश मानता है, और अंत में वो पहुँचता है अद्वैत तक। फिर दो नहीं रहते हैं, फिर कोई परमात्मा नहीं, फिर कोई जीव नहीं, फिर कोई प्रकृति नहीं। अरे मेरे अंदर अभी जो बोल रहा है, देख रहा है, इस अस्तित्व को महसूस कर रहा है, वही वो परम तत्व है। तो एक ही परम तत्व है यहाँ पे, भले वो ऐसे आपको दिख रहा है अलग अलग अलग, पर यहाँ पे दो नहीं हैं। मैं स्वयं ही उस परम तत्व का विस्तार हूँ, इसीलिए उपनिषदों में बोला गया अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, तुम वही हो। तो अद्वैत आदि शंकराचार्य ने हमको, हमारे महापुरुष ने ये परंपरा दी है, और बड़ी ही साइंटिफिक है। विज्ञान ने भी आज माना है कि पूरा एक ही, मतलब अस्तित्व एक ही, एक कोशी अमीबा से ही आया है। तो बड़ा ही वैज्ञानिक ही हमारा अद्वैतवाद है, जिसको नासा ने भी स्वीकारा है। तो बस अंत में साधक को यहीं पहुंचना है कि भाई मैं ही परम तत्व हूँ। ठीक है, शुरुआत में आप जब 5वीं कक्षा में हो, 7वीं कक्षा में हो, मूर्ति पूजा से, भक्ति योग से अपनी शुरुआत कर सकते हो, पर ज्ञान योग के अगर आपको परम शिखर पर पहुँचना है, तो अद्वैत को ही अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। और अद्वैत में फिर दूसरा नहीं रहता है, आप दूसरा देख ही नहीं पाते हो। अपने अंदर बाहर आपको फिर इंसान नहीं दिखते, आपको वही एक चेतना दिखती है, वही एक परम तत्व दिखता है। और जिस इंसान को हर जगह वही दिखने लगे, ठाकर तणी द्वारकाधीश, उसके जीवन के आनंद को फिर आप महसूस कर पाते हो। तो ये जो नरसिंह मेहता तुकाराम थे ना, वो यहाँ पे पहुँचे थे। तो अगर आप वहाँ पहुँचना है, अद्वैत साधना आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साधना बन सकती है। धन्यवाद।